देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। राधा कृष्णा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें शिव? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिव क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? पापा, राधा कृष्णा कितने मजाकिया थे, उनकी भाषा, उनके कपड़े भी कितने अजीब थे और कितने फनी लग रहे थे। तारा और शिव, ये अच्छी बात नहीं है, किसी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पापा, वो कितने अलग थे, वो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते थे और न ही हमारे जैसे बात करते थे। क्योंकि तारा बेटी वो गांव में रहते हैं, हमारे जैसे शहर में नहीं। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम दोनों को शहर और गांव के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, दो चूहे रहा करते थे। उनमें से एक चूहा शहर में रहता था, जिसका नाम था टुनटुन, और दूसरा चूहा गांव में रहता था, जिसका नाम था मुनमुन। टुनटुन और मुनमुन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन शहर वाला चूहा टुनटुन अपने दोस्त मुनमुन से मिलने उसके गांव चला गया। गांव के चूहे मुनमुन ने टुनटुन का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसे गांव का सादा लेकिन बहुत अच्छा खाना खाने के लिए दिया। गांव वाले चूहे मुनमुन ने अपना सारा खाना खत्म कर लिया, लेकिन शहर वाले चूहे टुनटुन ने वो खाना खाया नहीं। तभी गांव वाला चूहा मुनमुन शहर वाले चूहे टुनटुन से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। तब टुनटुन मुनमुन को कहता है, ये बहुत ही साधारण खाना है, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए दूंगा। गांव वाले चूहे मुनमुन ने शहर वाले चूहे टुनटुन की बात सुनकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। शहर आने के बाद टुनटुन ने अपने दोस्त मुनमुन को अपने शहर के घर के किचन में ले गया। वहाँ उसने मुनमुन को बहुत अच्छा खाना खाने के लिए दिया। वो खाना खा ही रहे थे, तभी उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई दे देती है और डर के मारे वो अपने बिल में जाके छुपते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से किचन में आके खाना खाने लगते हैं। फिर से उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए फिर से अपने बिल में चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, तब वो गांव वाला चूहा मुनमुन कहता है, तुम कितनी परेशान वाली जिंदगी जी रहे हो, इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में ही हूँ। तो चूहा अपने गांव लौट गया। तो बताओ बच्चों, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया? गांव ज्यादा अच्छा है, शहर खराब है। नहीं बच्चों, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जिंदगी के लिए बने हैं। कुछ लोगों को शांत जिंदगी पसंद है तो कुछ लोगों को मस्ती भरी। बस हमें एक दूसरे की जिंदगी स्वीकार करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं समझ गया पापा, अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो भी हमारा मजाक उड़ाएंगे और इससे कोई खुश नहीं रह पाएगा। सही कहा तुम लोगों ने, चलो अब हमें घर चलना चाहिए।